डॉलर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपए गिरा है। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर पर एहसास डार साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक साहब जिन्होंने ये बरवक्त फैसला किया। हाजियों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो इस वक्त आज फ्लाइटें शुरू हो चुकी है। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गैर जरूरी जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें, पाकिस्तान पर रहम करें और अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क का दम सब है। तो सियासतदानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैठ के मुजाकरात करें और पाकिस्तान की सियासत मुस्तकम होगी तो मैशत भी मुस्तकम होगी और पाकिस्तान की भी मुस्तकम होगी। डॉलर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपए गिरा है और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर पर एहसास डार साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक साहब जिन्होंने ये बरवक्त फैसला किया। और जो कमर्शियल बैंक लगातार पिछले कई अरसे से फ्री मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए और बड़े हाई रेट पे खरीद रहे थे, जब फ्री मार्केट का डॉलर का रेट 315 हुआ तो उसमें एहसास डार साहब ने जैसे पूछा कि इतना बैंक का रेट 285 और ये इतना फर्क 30 रुपए का क्यों हो गया। तो मैंने उन्होंने बताया ये कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर जो कि उनके लिए खरीद रहे हैं और उनको महंगा बेच रहे हैं और जिससे पूरा असर डिमांड फ्री मार्केट पे आ गया, तो आप इसको जो है सारा जो मार्केट का गैप है इनकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने ये बरवक्त फैसला किया और उन्होंने कल ये आपने देखो कि सर्कुलर इशू किया और बैंकों को कहा कि आप एक्सचेंज कंपनी के बजाय आप इंटर बैंक से खरीद सकते हैं। 31 जुलाई तक ये टेस्टिंग पीरियड है तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है मजीद भी गिरेगा। तो मैं समझता हूँ ये इसहाक डार साहब ने जो फैसला किया इसको हाजियों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो इस वक्त आज फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं और उनको डॉलर अब जो 315 का ले रहे थे आप उनको 285 का मिलेगा तो वो दुआएं भी देंगे। तो मैं उनसे हाजियन साहबान से रिक्वेस्ट भी करूँगा पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने पाँव पे खड़ने की जो है हुकूमत को तौफीक दे और ये ऐसे फैसले करें जो कि पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो, पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो। इसको गिराना इतना कोई मुश्किल नहीं ना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उन्होंने कहा कि इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने अपने अकाउंट होल्डर को और बगैर अकाउंट वालों को तकरीबन 5 करोड़ के करीब डेबिट और क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हुए हैं जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर है और इस वक्त जितने भी कौम है वो ऑनलाइन शॉपिंग भी लगी हुई है और सारे डॉलर जो है वो इंटर बैंक से सेटलमेंट हो रही है। तो इस पर जो है आप इसको भी मद्देनजर रखें कि जो पहले लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान 315 रुपए की चीज मिलती थी आप उन्हें 285 की मिलेगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसको डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फिर इतने फॉरन नसियाँ हमारे पास में एक एक डॉलर की पाकिस्तान को जरूरत है। तो मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गैर जरूरी जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें। जिन लोगों को जरूरत है वीजा के लिए या फीस के लिए या ऐसी कोई पेमेंट जो कि ऑनलाइन के बगैर हो नहीं सकती वो करें, पाकिस्तान पर रहम करें और अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क का दम सब है। हुकूमत को मैंने कहा जी अगर बाहर की जो पेमेंट लोग करें क्रेडिट कार्ड के जरिए उनको बड़ा ईजी है, उनको बड़ा सस्ता पड़ता है तो वो उनको जो है आप टैक्स लगा दें उनके ऊपर ताकि उनको महंगा मिले और महंगा मिलेगा तो यकीनन वो नहीं खरीदेंगे। और जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं जिनकी मजबूरी है उनको एग्जेम्पशन दे दें, उसका एक कैटेगरीज बना दें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है हुकूमत की और मैं समझ स्टेट बैंक की और एक्सचेंज कंपनी भी पूरा तावन करेंगी। हमने एक्सचेंज कंपनी की जो मीटिंग भी बुलाई थी पिछले हफ्ते। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हमने कहा था कि जो लोग ब्लैक मार्केट का मुकाबला करने के लिए आप जेन्युइन बायर है जो फॉरेन एक्सचेंज उनको लाजमी दें, उनको मना ना करें ताकि ब्लैक मार्केट में ना जाना पड़े। और जो लोग इसमें एक्सचेंज कंपनियां जो बैंकों की कंप्लेन मिली है कि वो हवाला मार्केट वालों को और ब्लैक मार्केट को फैसिलिटेट करते हैं तो उनके खिलाफ बकायदा टीम तश्कील दा चुकी है हमारी भी और एक्सचेंसियों की भी और स्टेट बैंक की भी जो खुफिया तौर पर निगरानी करेंगे और ऐसे लोगों की निशानदेही हम करेंगे, उनके खिलाफ बकायदा एक्शन होगा। और तो ये मैं से पूरी कौम का फर्ज बनता है कि वो भी ब्लैक मार्केट में न जाए। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएंगे तो हम सारी ये पाबंदियाँ हटा देंगे फिर, लेकिन इस वक्त हर आदमी को एक एक डॉलर सोच समझ के खर्च करना है। इसके साथ ही मैं पूरी कौम से अपील भी करता हूँ और अगर उनका तावन हमारे साथ रहा और गैर जरूरी उन्होंने डॉलर ना खरीदे तो इंशाल्लाह इंटर बैंक में भी डॉलर का रेट गिरेगा। और इंटर बैंक का रेट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है हमारा। आप श्रीलंका की मिसाल देता हूँ, उनकी जो है जब डिफॉल्ट किया था तो उनको 325 से कम होकर 295 आ गया। तो हमें क्योंकि आप उन्हें लेनों में लग रहे हैं और उन्होंने सीख लिया है कि हमने अपने मुल्क को बचाने, तो हमने भी इससे पहले कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए हमने गैर जरूरी चीजों पर जो है वो बाइंग नहीं करनी। और जो हमारी लोग जितने भी हैं मैं पाकिस्तान की सलामती और मैशत का मसला है
तो सियासतदानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो बैठ के मुजाकरात करें और पाकिस्तान की सियासत मुस्तकम होगी तो मैशत भी मुस्तकम होगी और पाकिस्तान की भी मुस्तकम होगी।